इस मामले में मैं आपको ये बताऊंगा कि डीपीओ साहब ने जो ब्रीफिंग दी इसके मुताबिक सिक्योरिटी इंतजाम जो हैं वो डबल कर दिए गए हैं, हसास पोलिंग स्टेशनों की तादाद बढ़ा दी गई है। इसके अलावा हसास पोलिंग स्टेशन पे कैमरे जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस बारे में आर्डर जारी कर दिए हैं। तो और भी बहुत से मामला थे, इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन बहुत परमन होगा। 20 पोलिंग जो स्टेशन थे जो मुतनाज़ा थे उसके हवाले से क्या किया गया? 20 पोलिंग स्टेशन का अमला हमने तब्दील कर दिया है और उस पर नए लोग तैनात किए गए हैं और इसके ट्रेनिंग का भी मुकम्मल बंदोबस्त कर दिया गया है। 13 तारीख को उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन कमीशन की ये कोशिश है कि पिछली दफ़ा जो कोताहियाँ हुई या जो कमजोरियाँ हुई वो दोबारा उसका अयादा न हो। जो कोरोना के हालात जो चल रहे हैं, जो लॉकडाउन भी दो तीन कोरोना के हालात के बारे में यह है कि डिप्टी कमिश्नर ने एक बताया है कि यूनियन काउंसिल एक जो है वो लॉकडाउन किया गया है। तो इस बारे में हमारे सेक्रेटरी साहब ने उनको यह हिदायत की है कि आप इस यूनियन काउंसिल के बारे में कमीशन को लिखे, इस पर कमीशन फैसला करेगा। सर वो जो यूनियन काउंसिल है वो शहर का 20% जो है ना हिस्सा है, तो क्या वो 20% वो कमीशन फैसला करेगा कि वहाँ पे इलेक्शन हो या ना हो? सर इलेक्शन धुंध क्या अब तो धुंध नहीं होगी? नो कमेंट्स सर। इलेक्शन 10 को ही होंगे फिर? इंशाल्लाह इलेक्शन 10 को होंगे। थैंक यू वेरी मच।